हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्विच केस स्टेटमेंट को लेकर के ये प्रोग्राम मैंने C++ में लिखा है। यहाँ पर इंट डे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला मंडे है, दूसरा ट्यूसडे है, तीसरा वेडनेसडे है और चौथा थर्सडे है। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले सेव करते हैं तो यहाँ से कंपाइल करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको SWITCH switch.cpp के नाम से सेव करता हूँ। cpp C++ के फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो ये तो लगाना ज़रूरी ही है। तो cpp लगाने के बाद बस ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद इसे हमें रन करवाना है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ बिल्ड पे जा कर के भी रन करवा सकते हैं। तो बिल्ड पे जाके ही हम रन करवा लेते हैं। तो यहाँ क्या प्रिंट होकर आ रहा है, देखिए थर्सडे प्रिंट हो रहा है। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ, 5। ठीक है, तो ये मैंने 5 कर दिया है। अब इसको एक बार फिर से हम सेव कर लेते हैं और अब एक बार कंपाइल करवा देते हैं। तो ये कंपाइल तो हो ही जाएगा, कंपाइल हो भी गया। और यहाँ से इस बार यहाँ से रन करवा लेते हैं, ये यहाँ पे जा करके। तो इस बार फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हम 6 कर दें तो यहाँ पर सैटरडे आएगा। तो यहाँ पर बिल्ड पे जाके पहले ये जो आउटपुट आया था उसको क्लोज कर देता हूँ, फिर बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवा लेता हूँ, सेव हो जाएगा ये। और कंपाइल करवाने के बाद इसको रन करवाएंगे तो यहाँ सैटरडे प्रिंट हो रहा है। ठीक है,